दोस्तों, ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड या फिर कहें तो बेहतर म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, होता यूं है कि कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना होता है म्यूचुअल फंड्स चूज करने के दौरान। अगर एक छोटी सी भी हम गलती करते हैं तो उसका हमें लाखों करोड़ों का नुकसान भुगतना पड़ता है और उस नुकसान का एहसास हमें रिटर्न मिलने पर होता है। तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए कुछ पॉइंट्स जिस पर आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आप बेहतर या फिर कहें तो ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड चुनने में सफल हो जाते हैं। तो चलिए डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट नंबर वन, ट्रस्टेड कंपनीज। देखिए, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे हमेशा नए इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी बड़े कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहे, क्योंकि बड़ी कंपनीज का एक तो बड़ा नाम होता ही है, ब्रांड वैल्यू होता है, और ब्रांड की वजह से लोगों का ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है। और कई सारे ऐसी कंपनीज है जैसे कि SBI, कोटक, HDFC, मोतीलाल ओसवाल और इस तरह के और भी कई सारी कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती हैं। तो इस तरह के कंपनीज के म्यूचुअल फंड को कंसीडर करना सही रहेगा। नंबर टू, फंड टाइप्स। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या आप इक्विटी में करना चाहते हैं, डेब्ट में करना चाहते हैं, हाइब्रिड में करना चाहते हैं, किस तरह के फंड टाइप्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड्स में ज्यादातर लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इक्विटी ही आपके लिए बेहतर होगा। नंबर थ्री, कैटेगरीज। आपको कैटेगरीज चुनना पड़ेगा कि आप किस तरह के कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या आप लार्ज कैप में करना चाहते हैं, मिड कैप में करना चाहते हैं, सेक्टोरल में करना चाहते हैं, स्मॉल कैप में करना चाहते हैं। तो इस तरह के आपको 10-12 कैटेगरीज मिल जाते हैं। तो आपको इसमें भी देखना पड़ेगा कि किस तरह के कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वैसे रिस्क के बारे में आगे बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि किस तरह के कैटेगरीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नंबर फोर, लॉक इन पीरियड। कुछ म्यूचुअल फंड्स जो होती हैं वो लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं कि आपको 5 साल के लिए लॉक इन रखा जाएगा, 3 साल के लिए लॉक इन रखा जाएगा, यानी कि लॉक इन में आप अपने म्यूचुअल फंड को विथड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए लॉक इन पीरियड को आपको ध्यान में रखना है। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉक इन पीरियड आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए सडनली आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप लॉक इन पीरियड से पैसे नहीं निकालेंगे तो वहां पर आपको फील होगा कि लॉक इन पीरियड तो हमारा बड़ा बेकार इन्वेस्टमेंट रहा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि लॉक इन पीरियड वाला फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। नंबर 5, हिस्टोरिकल रिटर्न। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको सेलेक्ट करने के बाद उसका हिस्टोरिकल रिटर्न आप जरूर देखें तो ही आप बेहतर म्यूचुअल फंड चूज कर पाते हैं। तो हिस्टोरिकल रिटर्न कैसे चेक करेंगे, कितने समय का चेक करेंगे, चलते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने लार्ज कैप फंड का लिस्ट और मिड कैप फंड का लिस्ट ओपन कर लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि हिस्टोरिकल डेटा कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, यहां पर हिस्टोरिकल डेटा चेक करने के से पहले हम देख लेंगे कि यहां पर सारे लार्ज कैप का फंड है या नहीं। अब इस लार्ज कैप फंड में आप देखेंगे 1 वीक से लेकर के 10 ईयर्स तक का हिस्टोरिकल डेटा यहां पर दिखा रहा है। अब हम यहां पर जस्ट 10 ईयर वाले में डबल क्लिक करके इसे फिल्टर कर लेंगे, जो कि टॉप से बॉटम की तरफ हमारा रिटर्न दिखाता है। यह सबसे ऊपर वाला स्पॉन्सर्ड है तो ऊपर वाला को इग्नोर कीजिए, और उसके बाद यहां से आप देखिए, यहां से देखेंगे पहला जो फंड है यह है निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसमें 14.78% का पिछले 10 सालों से लगातार रिटर्न मिला है। दूसरा आप देखेंगे कैनरा रीबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, 14.53% का पिछले 10 सालों से लगातार रिटर्न मिला है। तीसरा आप देखेंगे इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, इसमें 14.40 का लगातार रिटर्न पिछले 10 सालों से मिला है। इसी तरह से आप देखेंगे ना, टॉप 10 फंड ऐसा है यहां पर जो 13-14% का बीच का रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार मिला है लार्ज कैप में। तो अगर आप इस तरह के फंड में किसी एक को भी चूज कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप इसी तरह से मिड कैप में देखेंगे तो मिड कैप में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग तरह का फंड लिस्टेड है मिड कैप का, अलग अलग कंपनी का।
अब आप यहां से 10 ईयर्स वाला पर डबल क्लिक करके आप फिल्टर कर सकते हैं टॉप टू बॉटम रिटर्न। तो आप देखेंगे यहां पर 10 ईयर्स का रिटर्न आपको 21.64 हो गया, आपका दूसरा फंड हो गया 20.20, तीसरा 20.08। तो इसी तरह से अगर आप टॉप 10 फंड देखेंगे ना यहां पर, तो आपका रिटर्न जो देखने को मिलेगा वो 17 से 21% का बीच का मिलता है, जो कि बढ़िया रिटर्न माना जाता है। लेकिन चूंकि मिड कैप लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा मिड कैप भी, बल्कि अगर आप रिस्क फ्री रहना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर लार्ज कैप के अलावा आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने हिस्टोरिकल रिटर्न देख लिया कैसे चेक करेंगे। तो कम से कम पिछले 10 सालों का तो हिस्टोरिकल रिटर्न आप देखेंगे ही देखेंगे, इससे आप अनुमान लगा पाते हैं कि फ्यूचर में इस फंड का रिटर्न कैसा आने वाला है। क्योंकि अगर पिछले 10 सालों से लगातार इतना रिटर्न मिला है तो फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता है। पॉइंट नंबर 6, रिस्क। रिस्क में हम बात करेंगे कि किस कैटेगरीज का फंड आपको सेलेक्ट करना चाहिए, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड, किस तरह का कैटेगरीज का आपको फंड सिलेक्ट करना चाहिए। तो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर जो म्यूचुअल फंड माना जाता है वो लार्ज कैप का माना जाता है। और इसके पीछे वजह है क्योंकि लार्ज कैप का जो भी फंड होता है उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज का बकेट रहता है, और बड़ी कंपनीज होने की वजह से आपको इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता, इसलिए रिटर्न आपको थोड़ा कम लार्ज कैप में जरूर मिलता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ रहता है एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। तो अगर आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते तो फिर लार्ज कैप के अलावा कोई दूसरा म्यूचुअल फंड आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, एक्सपेंस रेशियो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि कई बार आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट तो कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो 2% 2.5% तक देना पड़ता है, यानी कि 1.5% नॉर्मल से ज्यादा देना पड़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपका लाखों करोड़ों का नुकसान कर जाता है। और इस नुकसान का एहसास आपको फाइनल मैच्योरिटी पर पता चलता है, फाइनल अमाउंट जब रिटर्न मिलता है तब पता चलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो म्यूचुअल फंड आपने चूज किया है उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़े। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 1.5% की वजह से आपका बड़ा नुकसान कैसे होता है, चलिए एक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहां पर SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो अगर आप 1% भी ज्यादा दे देते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना बड़ा नुकसान होता है, ये हम यहां पर कैलकुलेशन करके देखने वाले हैं। तो मान लीजिए आपने लमसम का कोई इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का किया म्यूचुअल फंड में, और हम लेकर के चल रहे हैं कि आपको 16% का रिटर्न मिला है एक्सपेक्टेड CAGR। अब 16% का रिटर्न मिलने के बाद हम समय ले लेते हैं 30 साल। 30 साल बाद अगर आप रिटर्न देखते हैं जिसमें 4.24 करोड़ आपका रिटर्न है और टोटल वैल्यू 4.29 करोड़ बनता है। अब ये जो 16% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगर मान लीजिए आपने एक्सपेंस रेशियो 1% ज्यादा दे दिया, 0.25% ज्यादा दे दिया, तो आपका ये रिटर्न कम जाएगा। तो चलिए हम 1% ही लेकर के चलते हैं, और दूसरा विंडो मैंने कैलकुलेटर का यहां पर ओपन कर लिया, इसमें हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर भी हम सेम अमाउंट 5 लाख इंटर कर लेते हैं और रिटर्न हम ले लेते हैं 15%, वो इसलिए क्योंकि हमने एक्सपेंस रेशियो 1% ज्यादा दे दिया, तो हमारा रिटर्न कम हो गया। ड्यूरेशन भी सेम हम ले लेते हैं 30 साल के लिए। अब आप यहां पर रिटर्न देख लीजिए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 3 करोड़ 26 लाख, और टोटल आपका जो वैल्यू बनता है वो 3 करोड़ 31 लाख। तो कहां 4 करोड़ 29 लाख और कहां 3 करोड़ 31 लाख, फर्क लगभग 1 करोड़ रुपए का हो गया। और 1 करोड़ रुपए का फर्क क्यों हुआ, क्योंकि आपने 1% का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दे दिया। तो 1% का इंपैक्ट आपको दिख रहा होगा कि 1% ज्यादा देने की एक छोटी सी गलती आपका करोड़ों का नुकसान कर गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने कंपैरिजन देख लिया कि एक्सपेंस रेशियो किसी ने 1% ज्यादा दिया और किसी ने 1% कम दिया, इसकी वजह से करोड़ों का यहां पर किसी को नुकसान और किसी को फायदा होता हुआ दिखा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जिस फंड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ना हो, बल्कि 1%, 0.7%, 0.75% ये नॉर्मल है, और इतना है तब तो ठीक है, इससे ज्यादा है, 1.5% है, 2% है, तो फिर आप उसे इग्नोर करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर होगा। आखिरी और 8वां पॉइंट, एग्जिट लोड्स। आपको एग्जिट लोड्स भी देखना है कि एग्जिट लोड्स कितने समय पर
कितना चार्ज किया जा रहा है। वैसे एग्जिट लोड्स कुछ ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ टाइम ड्यूरेशन जरूर होता है, किसी में 1 ईयर होता है, किसी में 1 मंथ होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी डिपेंड करेगा कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये 8 ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है किसी भी म्यूचुअल फंड्स को चूज करने से पहले, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यकीनन आप बेहतर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर पाते हैं और ज्यादा रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। अब देखिए, ज्यादा रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1-1% से कम और ज्यादा आपका रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 1% का भी ध्यान रखते हैं कि आपका 1% भी नुकसान ना हो, तो फिर आप ज्यादा रिटर्न पाते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर ज्यादा रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।